पहले भी वो कर चुके हैं, बेटा बेटा पहले भी कर चुके हैं। शराब शराब के हिस्से ही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट थानेदार को देना, थानेदार को देना, और थाना पूरी पुलिस लगी भी है शराब शराब। और जबकि ड्रग्स और एस्मैक्स पहुंच चुका है सबके हाथ में, आप थानेदार और चौकीदार को जिम्मेदारी ही क्यों देंगे? डीआईजी एसपी को क्यों नहीं और प्रभारी मंत्री को क्यों नहीं? वो सस्पेंड क्यों नहीं होंगे? और किसको पता नहीं है कि दारू कहां से बिक रहा है और कौन ला रहा है? पूरा नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है दारू का, कौन नहीं जानता है दारू कौन बेचता है? समाज से लेके नेता तक। तो थानेदार और चौकीदार एक बहाना है, इनको डीआईजी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डीआईजी एसपी पर और प्रभारी मंत्री पर। कंफ्यूज्ड है सर, आप बंदी पर लेकर के? सर मेरा आग्रह है बहुत क्लियर, पहले भी पुनर्विचार हुआ है, गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, आपका घटक दल भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून गलत है, हाई कोर्ट कहा कि हम पर बोझ पड़ गया, 6,32,000 लोग जेल में है। एक बार तरीका बदलने पर विचार करना चाहिए नीतीश कुमार। संजय जायसवाल भी तो सवाल उठा रहे हैं। सर संजय जायसवाल जी शराब उठा रहे हैं तो फिर शराब माफिया को लेके घूम क्यों रहे हैं? और शराब उठा रहे हैं तो समर्थन वापस ले लेना, समर्थन वापस ले, सरकार गिर है, खत्म करे और जाए चुनाव में। सुरसुर भी, नुरनुर भी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। सरकार बदले में काहे डर लगता है? संजय जायसवाल जी शिवहर के सांसद और राधा मोहन जी से पूछिए कि 16 सालों में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्यों डेवलप किया? 15 दिनों के अंदर 18 मर्डर रक्सौल से मोतिहारी में क्यों? हम नहीं जानते कौन है संजय जी, बगल में कौन है? राधा मोहन जी। इन दोनों आदमी को फुर्सत होता है हमेशा रोना रोते रहते हैं, मर गए, प्रशासन नहीं सुनता है। अरे मौक आदमी नहीं सुनता है तो रिजाइन कर दे। चलो सरकार में हो, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी का बड़ा धर्म नहीं सुनता है। अरे यार तू कह दो ना बीजेपी को एक बार हमको दे दे मुख्यमंत्री का नानी याद ना दिला दे तो मेरा नाम बदल देना नहीं करता है। फटर 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 हल्का हल्का बोलते रहेंगे, जो मन में आएगा बोलते रहेंगे, हम वहां दे लेंगे, हम वहां शराब को दे देंगे। तो जो नालंदा औका था जाके दो एक लाख से घर आए नहीं गए, मर गया 25 आदमी। तुम जब अपने जिसके वोट से तुम चुनाव जीतते हो यही व्यवसाय सबसे ज्यादा वोट तुमको देता है, नहीं तो औकात का पता चल जाएगा तुमको। और जब तुम व्यवसायियों के बारे में मर नहीं सकते हो, खाने नहीं रह सकते हो, तुमको तो यहाँ निर्लज बाहर जाना चाहिए कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। निर्लजता की सीमा पार है, ऐसा निर्लज आदमी मैंने नहीं देखा, निर्लज भी नहीं है, थट्टर है। गांव घर में कहावत है हैरी गहरी कहना रावण लक्ष्मी का, कि मतलब हर दिन सुबह से शाम रोना रोते रहेंगे। अरे जब तुम ही अपना रोना रोगे तो आम आदमी के तुम हित क्या करोगे? तुम्हारा ही आंसू बहेगा तो तुम आंसू पोंछोगे किसका? और तुम जाके बोलोगे हम क्या करेंगे, मेरा पुलिस नहीं सुनता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।